Good morning, dear students. In previous lecture, we complete our respiratory tract or conductive part of respiration. Those conduct fresh air from outside and reach to the lungs. ठीक है, और वो लंग क्या कहलाता है बेटा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और एक ऐसा सरफेस है जहाँ पर O2 और CO2 दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, एक पेयर पूरा लंग्स का प्रेजेंट होता है. लंग्स कहाँ पर होते हैं? थियोरेसिक कैविटी में होते हैं बेटा. ठीक है, हार्ट के साइड में, यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पर. ठीक है, और इसके साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? लंग्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम इसकी अंदर की जो स्टडी है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसा होता है लंग. लंग के अंदर बेटा आपको ये दो लेयर दिखाई दे रही हैं. जो बाहर की तरफ लेयर है उसे कहेंगे पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ लेयर है इसे क्या कहेंगे बेटा? विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन. विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन. और ये जो बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ये प्लूरिक कैविटी कहलाता है. क्या कहलाता है? प्लूरिक कैविटी, जिसमें एक फ्लूड भरा हुआ होता है जिसे प्लूरल फ्लूड कहते हैं. प्लूरल फ्लूड कहते हैं. राइट लंग को देखो बेटा आप, इसमें तीन पार्टीशन दिखाई दे रही है आपको इस तरह से, 1 2 3 इस तरह से. अपर पार्ट को, लोअर पार्ट को. ठीक है, अपर पार्ट आपका कहलाएगा सुपीरियर, लोअर पार्ट कहलाएगा आपका इन्फीरियर. अपर को लोअर से डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसवर्स फिशर. क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स फिशर. ठीक है, अब ये साइड में से भी डिवाइड हो रहा है जो लोअर पार्ट है, इसके फिर से दो पार्ट हो गई हैं. इसे कौन डिवाइड कर रहा है बेटा? ओब्लिक फिशर. ओब्लिक फिशर, समझ में आया? राइट लंग. आप देखिए लेफ्ट लंग जो है बेटा वो सिर्फ अपर से, अपर पार्ट और लोअर पार्ट डिवाइड हो रहा है, और इस फिशर को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ओब्लिक फिशर. ओब्लिक फिशर. और आपके जो लंग्स है पूरा वो किससे, किसकी वजह से प्रोटेक्टेड है? रिब्स की वजह से. किसकी वजह से? रिब्स की वजह से. और इसके नीचे एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? डायाफ्रेगम. डायाफ्रेगम, समझ में आया? तो लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, वो क्या कहलाएगी बेटा? विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी बेटा? पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन. और इन दोनों को जो स्पेस डिवाइड कर रहा है उसे क्या कहेंगे बेटा? प्लूरल कैविटी, जिसमें क्या भरा हुआ होगा? प्लूरल फ्लूड भरा हुआ होगा. ठीक है, और बाहर की तरफ से आपको ये दिखाई दे रही है कि लंग्स कैसा होता है. ठीक है, स्पंजी ब्राउन, रेडिश ब्राउनिश इन कलर. ठीक है, जस्ट बिहाइंड द हार्ट, ऑन द साइड ऑफ हार्ट. ठीक है, तो इसमें दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं बेटा, जिसकी वजह से O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है. O2 जिसकी वजह से अंदर जाती है उसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और CO2 जिसकी वजह से बाहर जाती है उसे एक्सपायरेशन कहते हैं. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इंस्पायरेशन जो है बेटा वो बहुत एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें फ्रेश एयर बाहर से अंदर की तरफ जाती है, और एक्सपायरेशन जो है बेटा वो एक पैसिव प्रोसेस है, बॉडी का प्रोसेस है, जिसमें CO2 को धक्का दिया जाता है, पुश आउट किया जाता है. कहाँ जाने के लिए? लंग से बाहर जाने के लिए. ठीक है, तो इनका, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो देखो बेटा जो हमारे इसका पाथवे है इंस्पिरेशन का, वो आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है. बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल लेयर. फिर क्या, स्लिट से क्या डिवाइड हो जाता है? नोज, उसे नेजल चैम्बर कहते हैं. फिर अंदर का पार्ट शुरू हो जाता है जिसमें फेरिंग्स. ठीक है, फेरिंग्स नीचे की तरफ ग्लोटिस, ग्लोटिस से नीचे लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फूड पाइप और विंड पाइप की बात आ गई. ठीक है, जिसे ट्रेकिया कहा था हमने, और ट्रेकिया राइट और लेफ्ट लंग में जाके ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्चरी ब्रोंकी पहले पढ़ाया जा चुका है, ब्रोंकियोल्स में, एल्वोलर डक्ट में, और लास्ट में एल्वोलाई में, जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है. तो बेटा जो इंस्पायरेशन है वो बहुत एक्टिव प्रोसेस है. इसमें जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं.
ठीक है। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, तो रिब्स जो हैं, जो लंग्स को इस तरह से सराउंड करे हुए हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं, वो बाहर की तरफ जाती हैं, ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगी बेटा। जैसे इसके अंदर लंग है, ठीक है, और जब ये लंग्स किस तरह से चिपकी हुई है, तो लंग्स इस तरह से हैं और उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पर जब ये ऐसे खुलेंगी और बाहर की तरफ जाएंगी तो लंग्स का स्पेस बढ़ जाएगा। अब लंग्स क्या हो गए हैं बेटा, एक्सपेंड हो गए हैं, और इसके लंग्स के नीचे जो थैली प्रेजेंट है डायफ्रेगम की, वो भी नीचे चली गई है, ठीक है, और वो नीचे जाने की वजह से देखो वो भी नीचे चली गई है लंग्स की, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं डायफ्रेगम, वो भी नीचे चली गई, और जो इसको रिब्स प्रोटेक्ट कर रही थी वो बाहर की तरफ आ गई, जिसकी वजह से लंग्स का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लंग्स क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई। लंग्स का साइज इंक्रीज होने की वजह से जो प्रेशर है, लंग का प्रेशर, वो क्या हो गया बेटा, घट गया, ठीक है, घट गया, क्योंकि स्पेस सरफेस एरिया बढ़ गया, इसीलिए यहाँ प्रेशर घट गया और बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ गया, बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ गया O2 का, ठीक है, इसीलिए जो O2 है वो पुशअप होकर के कहाँ जाती है, लंग्स में आ जाती है, इसे क्या कहते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है। मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव करती हैं, डायफ्रेगम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, जो डायफ्रेगम की शेप है वो फ्लैटेंट हो जाती है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है। जब ये इंक्रीज होती है, साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो क्या होता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए जो एयर है वो पुशअप होकर के कहाँ आ जाती है बेटा, लंग्स में आ जाती है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक्सपीरेशन में होता है। उसमें क्या होगा, ये जो मसल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेगी, और जब ओरिजिनल पोजीशन ले लेगी तो वो लंग्स के करीब आ जाएंगी, ठीक है, डायफ्रेगम भी ऊपर आ जाएगा, इस तरह से ऊपर आ जाएगा, जब वो ऊपर आएगा तो वो नीचे से दबाव बनाएगा और रिब्स इधर से दबाव बनाएगी, तो लंग्स की जो शेप है, लंग्स क्या हो गया, आप जो एक्सपेंड हुआ था लंग, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और स्पेस कम हो गया, तो यहाँ अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, क्या हो गया बेटा, प्रेशर बढ़ गया, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो बाहर यहाँ जो अंदर भरी हुई है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर की साइड चली जाएगी, इसे क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन कहते हैं। तो जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ गया, ठीक है। इस केस में लंग्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है बाहर के प्रेशर से, तो बाहर जो फाउल एयर है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने क्या पढ़ा, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। देखो रेस्पिरेशन में वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, डायफ्रेगम अपवर्ड चला जाएगा, थोरेसिक कैविटी का साइज घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो एयर है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। इसका पाथवे उससे अपोजिट रहेगा। एल्वोलाइज से एयर कहाँ गई, एल्वोडक्ट में, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकी में, ट्रेकिया में, लैरिंग्स में, ग्लूटिस में, फेरिंग्स में, इंटरनल लेयर्स में, नेजल चैम्बर में, ठीक है, और फिर बाहर की तरफ एटमोसफियर में, ठीक है। ये था बेटा आपका मैकेनिज्म इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू।